दोस्तों 5 मार्च को रियलमी की तरफ से रियलमी 6 और रियलमी 6 प्रो लॉन्च होने जा रहा है। और दोस्तों रियलमी कोई ऐसा डिवाइस लाए जो दोस्तों मार्केट में पूरे कब्जा करने जाए, तो दोस्तों कहीं आपको लगता है कहीं सोमी और रेडमी चुप रह सकते हैं। तो दोस्तों रियलमी की तरफ से जब रियलमी 6 सीरीज पेश हो रही है, तो दोस्तों अब रियलमी के बाद अब रेडमी भी अपना टीजर जारी कर दिया और दोस्तों लॉन्च डेट घोषित कर दिया रेडमी के नोट 9 और नोट 9 प्रो को लेकर। यानी कि दोस्तों रेडमी अपने बहुत ही जल्द रेडमी नोट 9 सीरीज को रिलीज लॉन्च करने वाला है। इसके लिए लेकर दोस्तों उसने लॉन्च डेट को भी घोषित कर दिया और बता दिया कि 12 मार्च को ये सारे डिवाइस आपको ला दिए जाएंगे मार्केट में। यानी कि दोस्तों कह सकते हैं इसके फीचर्स, इसके पूरे स्पेसिफिकेशन जानकर आपको लगेगा वाकई में कि रेडमी नोट 9 सीरीज या रियलमी 6 सीरीज को दोस्तों पूरी टक्कर देने वाली है। दोस्तों कह सकते हैं कंपटीशन में आगे भी निकल सकती है। दोस्तों आज की इस वीडियो में पूरी इंफॉर्मेशन देने वाले रेडमी नोट 9 सीरीज के फुल स्पेसिफिकेशन बताने वाले हैं, क्या क्या स्पेसिफिकेशन के साथ हो सकता है लॉन्च और दोस्तों क्या इसकी प्राइस हो सकती है, पूरी स्पेसिफिकेशन जानकारी देने वाले हैं। क्या दोस्तों आज की वीडियो में भी जानेंगे क्या ये वाकई में ये रियलमी 6 सीरीज के इस पूरी तरह टक्कर देगा, क्या रियलमी 6 सीरीज को दोस्तों पूरी तरह पछाड़ देगा, इस वीडियो में पूरी जानकारी आपको देने वाले हैं। दोस्तों अब सबसे पहले बात करते हैं इस रेडमी नोट 9 सीरीज को लेकर। तो रेडमी नोट 9 सीरीज जो दोस्तों 12 मार्च को इसे लॉन्च किया जा रहा है इंडिया में। इसके लिए दोस्तों अब मीडिया में इनविटेशन भेजा भी देने रेडमी सभी को इनविटेशन भेज दिया गया है मीडिया को। और दोस्तों बात कह रही है इसके लिए जो इसकी प्राइस और उसकी स्पेसिफिकेशन और बात करें तो उसकी डिजाइन और बिल्ड क्वालिटी को लेकर बहुत ही अच्छा और अच्छा देखने में लग रहा है ये फोन आपको। वाकई में जो कहते बिल्ड क्वालिटी जो देखने को मिलेगा आपको सेम आपको रेडमी नोट 8 प्रो की तरह ही आपको देखने को मिल जाएगा। बैक में पूरे कलर आपको डिजाइन वही भी देखने को मिल जाएगा। आपको बता दें डिस्प्ले की बात करते हैं 90Hz रिफ्रेश डिस्प्लेस हो सकता है और उसकी डिस्प्ले साइज क्या होने वाली दोस्तों ये पूरी कंफर्म नहीं है, लेकिन फिर भी आपको जो रेडमी नोट 9 है उसके 5 पॉइंट कुछ होने वाला है दोस्तों। वही जो रेडमी का वो 6 प्रो 6 पॉइंट कुछ होने वाला है डिस्प्ले। तो दोस्तों दोनों के डिस्प्ले बहुत ही अच्छे होने वाले, दोनों में आपको IPS डिस्प्ले देखने को मिल सकता है। वही दोस्तों बताया जैसे कि मैंने बताया कि इसमें 1900 रिफ्रेश डिस्प्ले के साथ आएगा और इसकी कोई और भी प्रोफेशनल डिस्प्ले के बारे में नहीं आ पाया कि इसमें नॉच होगा कि होल पंच होगा कि इसमें पॉपअप सेल्फी कैमरा होगा, ये लेकर जानकारी आपको नहीं मिल पाई है। वही दोस्तों बैक में जो देखने को मिलेगा आपको बैक में आपको पॉलीकार्बोनेट बॉडी देखने को मिल सकती है या दोस्तों आपको ग्लास बॉडी देखने को मिल सकती है। बैक में दोस्तों आपको एक प्रीमियम डिजाइन आपको देखने को मिल जाएगा। और वही दोस्तों आपको बैक में चौकोर यानी वर्गाकार आकार में आपको 4 कैमरे आपको देखने को मिल जाएगा जो कि आपको एक वर्गाकार आकार में देखने को मिलेगा। यहां पे दोस्तों कई लीक्स में भी बताया जा रहा कि आपको iPhone 11 Pro की तरह देखने को मिल जाएगा। फिलहाल तो iPhone 11 Pro में आपको 3 कैमरे देखने को मिले हैं तो इसमें आपको 4 कैमरे को देखने को मिल जाएगा, सेम उस डिजाइन को आपको बहुत लोग बताया जा रहा है। खैर मेरे पास एक तस्वीर हाथ जो लगी है जिसमें आपको देख सकते हैं किस तरह का इसमें डिजाइन देता है गया कैमरे में। दोस्तों 4 कैमरा दिया, जस्ट उसके नीचे फ्लैश देखने को मिल जाएगा। वहीं दोस्तों आपको रियर में कोई भी फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को नहीं मिला है। तो दोस्तों हम लोग उम्मीद लगा रहे हैं शायद हो सके इसकी जो फिंगरप्रिंट सेंसर होगा वो साइड में हो सकती है एंड डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर हो सकती है। जैसे साइड में बोले तो दोस्तों X2 की तरह यानी कि आपको पोको X2 की तरह साइड में इसकी फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिल सकता है, नहीं होगा वहां पे तो आपको डिस्प्ले फिंगरप्रिंट डेफिनेटली देखने को मिल जाएगा। दोस्तों इसकी प्रोसेसर की बात कर लेते, इसमें प्रोसेसर जो इस्तेमाल होने वाला है दोस्तों इसमें गेमिंग प्रोसेसर इस्तेमाल होने वाला है। यहां तक तो कई लीक्स में बताया जा रहा है कि इसमें मीडियाटेक का G90 इस्तेमाल किया जा सकता है। यहां दोस्तों कई लीक्स में बता रहा कि इसमें स्नैपड्रैगन का दोस्तों आपको 720G से इस्तेमाल किया जा सकता है। यहां तक तो वो आपको बता दूं कि इसमें मनु कुमार जैन ने कुछ दिन पहले ट्वीट पर जानकारी दिया था कि दोस्तों स्नैपड्रैगन 720G का पहला स्मार्टफोन लाने वाला है। दोस्तों पहला स्मार्टफोन हो सकता है 720G का, दोस्तों ये हो सकता है रेडमी नोट 9 और नोट 9 प्रो भी हो सकता है क्योंकि दोस्तों यही उसकी ट्वीट के बाद वही फोन लॉन्च होने जा रहा था। यानी कि दोस्तों ये हो सकता है कन्फर्म इसमें क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन का 720G ही प्रोसेसर इस्तेमाल होता है क्योंकि दोस्तों ये प्रोसेसर भी एक गेमिंग प्रोसेसर होने वाला जो कि आपको बहुत ही अच्छा गेमिंग एक्सपीरियंस देने वाला है। वही दोस्तों बात कर लेते हैं इसकी बैटरी को लेकर, इसकी बैटरी भी दोस्तों 4500 mAh से अबव बैटरी दी जा सकती है। दोस्तों इसी की लमसम बैटरी भी दी जा सकती है और बैटरी फास्ट चार्जिंग की बताया तो दोस्तों इसमें आपको 27 वाट फास्ट चार्जर दी जा सकती है, 30 वाट का फास्ट चार्जिंग साथ में दी जा सकती है। जहां तक की संभावना है इसमें 27 वाट की फास्ट चार्जिंग दी जाएगी। जैसे कि मैंने बताया कि कैमरा को लेकर कैमरा इसमें बैक में 4 कैमरा देखने को मिल जाएगा। वही दोस्तों वैसे फ्रंट कैमरा जो बताया जा रहा है इसमें जैसे कि रियर में आपको 4 कैमरा देखने को मिल जाएगा। प्राइमरी सेंसर जो बताया जा रहा है कि इसमें
हो सके तो इसमें एक 64 मेगापिक्सल के प्राइमरी सेंसर देखने को मिल सकता है। वही दोस्तों, आपको फ्रंट कैमरा की कोई अभी जानकारी नहीं मिली है, इसमें क्या आपको होल पंच होने वाला है कि पॉपअप सेल्फी के कि नॉच वाला मिलेगा, आपको इस सब की कोई भी जानकारी नहीं दी गई। वही दोस्तों बता दें, इसमें साइड में कोई भी बेजल्स देखने को बहुत ही ना के बराबर देखने को मिलेंगे, इस बेजल लेस डिस्प्ले हो गया। और दोस्तों जो बात करते हैं इससे, जैसे कि इस फोन ऑपरेटिंग सिस्टम को लगता है इसमें एंड्रॉइड 10 बेस पर मी 11 दिया जाएगा पर आधारित चलेगा, यानी कि दोस्तों ये तो डेफिनेटली सारे फोन जो भी लॉन्च हो गए अभी रिसेंटली वो सब एंड्रॉइड 10 पर ही होने वाला है। फिलहाल इसमें जैसे मी 11 पर ही साथ आपको दे दिया जाएगा। वही दोस्तों बात कर लेते हैं इस फोन के जैसे कि प्राइस को लेकर, इस फोन किस प्राइस शुरुआती बेस में उतारा जा सकता है, तो जैसे बात करो सबसे दोस्तों सबसे पहले रेडमी नोट नाइन को लेकर प्राइस को, तो इसकी शुरुआती जो वेरियंस हो सकती है 10,000 के अंदर या 10,000 से 11,000 के अंदर इसकी कीमत रखी जा सकती है। वही दोस्तों बात करते हैं हम Redmi Note 9 Pro के लेकर, इसकी शुरुआती वेरिएंट हो उसे दोस्तों 15,000 से 20,000 की रेंज में इसकी रखी जा सकती है। इसकी उम्मीद इसलिए कही जा रही है दोस्तों, इतनी उम्मीद इसलिए की जा रही है कि सबके प्राइस इतना हो सकता है, क्योंकि इसको जो वाकई में Realme 6 सीरीज को टक्कर देना है तो दोस्तों ये प्राइस की रेंज में ही इस डिवाइस को उतारा जाना है, क्योंकि दोस्तों कोई भी Xiaomi को भी नंबर वन इंडिया में इसलिए बनी हुई है क्योंकि प्राइस के मामले में इंडिया में नंबर वन बनी है, तो आपको इसी प्राइस में देखिए डिवाइस उतारती है तभी Xiaomi को हर लोग Redmi Note 9 या Note 9 Pro को ही पसंद करने वाले हैं, तभी इस प्राइस में उतारी जाएगी तभी। तो दोस्तों ये थी Xiaomi की तरफ से आए हुए Redmi Note 9 Pro सीरीज की पूरी स्पेसिफिकेशन। तो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही, उम्मीद करता हूं आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब नहीं करते चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।